हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मिसेस पंडित। सो आज हम रिएक्शन करने वाले भेड़िया के ऑफिशियल ट्रेलर पे। यस, एंड यहाँ पे मेन कास्ट में है वरुण धवन, कृति शेनॉन, दीपक डोबरियाल एंड अभिषेक बनर्जी एंड पॉलिन कबक। ओके, एंड द मूवी इज डायरेक्टेड बाय अमर कौशिक, प्रोड्यूस्ड बाय दिनेश विजन एंड रिटन बाय निरन भट्ट, म्यूजिक गिवन बाय सचिन जिगर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 25th नवंबर को ये मूवी रिलीज होने वाली है। लिरिक्स आई थिंक नॉट, यो गाना का लिरिक्स है, नॉट डायलॉग्स एक्चुअली। सो गाने का होगा, अमिताभ बच्चन भट्टाचार्य का लिरिक्स है। तो चलिए देखते हैं। और भी क्रू मेंबर्स का बहुत सारा नाम है, को प्रोड्यूसर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड ऑल, जैसे हम हमेशा करते हैं। सारा लिंक आपको मतलब मिल जाएगा, सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन, बिकॉज हम सोचते हैं कि जो भी मूवी के साथ जुड़े हुए हैं उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन देना चाहिए। अगर हम रिएक्शन दे रहे हैं तो डिटेल्स भी, अगर हम अगर कुछ मिस कर रहे हैं तो डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि उससे एटलीस्ट आपको पता चल जाए। एंड यस, हमेशा की तरह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं भेड़िया का ऑफिशियल ट्रेलर, देखते हैं कैसा रहता है, उसके बाद बात करेंगे डिटेल में। बट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल। यस, ऑल्सो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। या तो चलो शुरू करते हैं। यस, तुम्हें क्या लगता है ये भेड़िया ने मुझे ही क्यों काटा है? मुझसे तो देखा नहीं जा रहा है, मुझसे भी नहीं। सेब समझ के चुत्तर चबा गया मेरे भाई का। लोगों को ऊंचा सुनाई देता है ना, मुझे नीचा सुनाई दे रहा है। खुशबू बदबू में बदल गई और बदबू खुशबू में। जी 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 जी, क्या कर रहा है? इच्छाधारी भेड़िया। इच्छाधारी तो नागिन होती है। क्यों? सिर्फ नागिन के पास लाइसेंस है क्या इच्छाधारी होने का? आस्के के पोटी में से किसी इंसान के हड्डी का अंश मिला। कल रात को क्या खाया था? ये वाला प्रकाश। क्या? प्रकाश के साथ खाना खाया था। हाँ, खाना खाया था जंगल में। प्रकाश को उसकी क्या छुपा रहे तुमसे? कुछ हुआ नहीं है मुझे। हुआ? मैं कह रहा हूँ ना, नहीं हुआ कुछ। हुआ ना बेटी को। जिसका डर था ना वो शुरू हो गया। ओके। मुझे पता नहीं है मैं हर रात क्या करता हूँ। मेरे बॉडी के अंदर भेड़िया घुस गया। भेड़िया रामपुरी चाकू जैसे नाखून निकलते और ड्रैकुला जैसे दांत। मेरी ना लिटरली फटती है और फटके ना पीछे से पूंछ निकलती है। ये साले कुत्ते ना मुझे फूफा जी कह के चढ़ाते हैं। मेरा इलाज नहीं हुआ ना तो मैं लोगों को खाता फिरूंगा। भेड़िये से काटा हुआ इंसान फिर से नॉर्मल कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। यही चड्डी पहन के कल रात को फूल खिलाता। देख देख पीछे से फटी हो गई। देख चड्डी पहन के फूल खिलाता। एक ही चीज पे मुझे डाउट लग रहा है, इसके स्टोरी लाइन पे। स्टोरी लाइन कैसा होने वाला है? बहुत सारा बचकाना टाइप का। इसमें जैसे स्पाइडरमैन को स्पाइडर काटा तो स्पाइडर बन गया, यहाँ पे इसको भेड़िया काट लिया चुत्तर में तो भेड़िया बन गया, इसको मैं काटी थी तो ये मैरिड बन गया।
ये जानते हैं ये है ऐसा ऐसा लिखा हुआ था, मतलब मैं देखी हूँ ऐसा टाइप का, तो मतलब ये कॉमेडी, तो खैर वो सब बाद में छोड़ते हैं। मैं सोच रही हूँ कि स्टोरी लाइन कुछ भी हो, जैसे स्त्री का थोड़ा बहुत टच ऐसा था, क्योंकि उसका डायरेक्टर है अमर कौशिक, तो उसके जैसा वो मूवी भी, जैसे स्त्री हमें बहुत पसंद आया था, वो मूवी भी तो कोई मतलब ऐसा बचकाना स्टोरी लाइन ही है, हॉरर है, लेकिन ऐसा कभी होता है कि स्त्री मत आना बोलने से वो नहीं आएगी, बट हाँ यहाँ पे भी ऐसा है, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन है मुझे काफी अच्छा लगा, एग्जीक्यूशन अच्छा लगा। स्टोरी लाइन जहाँ पे वो भेड़िया वाला ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसका आंखों में वो ग्लो हो रहा है ना, वो पॉइंट पे वीएफएक्स बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था, अच्छा था, हाँ। नो डाउट उस पे इवन जो इवॉल्व हो रहा था ना भेड़िया का, हाँ, वो भी अच्छा था, जो इवोल्यूशन वगैरह का जो था, पीठ का लग रहा था कि स्पाइनल कॉर्ड वगैरह ब्रेक हो रहा है, वो एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा था, जो लास्ट में, लास्ट के थोड़ा पहले जो आग से भेड़िया का वो उठ रहा है ना ऐसे, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे, सब मिलके कुछ एक मंत्र पढ़ रहे थे शायद, वो थोड़ा कॉमेडी है, थोड़ा हॉरर टाइप का है, ये सब मिला के इस मूवी में कोई अभी तक के लिए जितना भी है इस ट्रेलर में सब कुछ दिख चुका है, कोई सस्पेंस कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवी है, उसे भेड़िया काटा है, वो लोगों को काटेगा, भेड़िया हो गया है वो, लोगों को काटेगा और फिर पुलिस एंड ऑल एवरीथिंग विल बी इन फॉर्म आएगा उसको पकड़ने के लिए, बट पुलिस लोग से भी कंट्रोल नहीं होने वाला है, तो कुछ वो मंत्र चलाएंगे, नुस्खा चलाएंगे, और मुझे लग रहा है जो पता नहीं, आई एम नॉट 100% श्योर, इसका सेकंड पार्ट भी निकलेगा, जैसे स्त्री का एंडिंग किया कुछ ऐसे अलग तरीके से, इवन वो जो था ना रूही शायद, उसका भी यही डायरेक्टर स्त्री का है, उसका भी एंडिंग थोड़ा अलग तरीके से है, इसका भी शायद कुछ एक रख के एंडिंग करेगा, हो सकता है ऐसा हो सकता है, लेकिन अब वरुण धवन से मुझे उतना उम्मीद नहीं था, मैं पहले भी जो टीजर था उसमें बताई थी, लेकिन आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड, मुझे देख के उसका जो वो जो था ना एक एग्रेशन भरा, वो चिल्ला रहा था एग्रेशन के वो वाला पॉइंट में, वो लेकिन जहाँ पे काफी अच्छा लगा, इमोशनल काइंड का वो बोल रहा मेरे साथ ये हो जाता, उस पे थोड़ा मुझे लग लगा, बट इट्स ओके, हां दैट्स ओके, मतलब क्यों ऐसा हो हुआ ना, क्योंकि वो कॉमेडी में बदल जा रहा था, थोड़ा कॉमेडी काइंड का सेंस भी वहां पे हो रहा ना, जैसे उसके दोस्त लोग सुन के बोले ना चल ऐसे चल झूठा ऐसा कुछ बोला, मतलब वो हां, तो उससे लग रहा था कि इनके जो दोस्त लोग हैं वो कोई विश्वास नहीं करते कि ऐसा हो रहा है, बट एट सम पॉइंट वो लोग देखेंगे कि नहीं वो सच कह रहा है, फिर लोग मरने बैठेंगे। बीजीएम भी अच्छा था, ऑन पॉइंट था बीजीएम था, बट यस ओवरऑल ये मैं कह सकता हूँ ये मूवी एटलीस्ट वन टाइम वॉच तो जरूर है, वन टाइम वॉच तो जरूर है, ऐसा नहीं कह सकते कि वाओ एंड यस यू नो ये एंटरटेनमेंट आपको देगी, नहीं है बट यस इट्स अ 9 आउट ऑफ 10 फ्रॉम मी, फ्रॉम यू ऑफ कोर्स 9 आउट ऑफ 10 बिकॉज ए स्टोरी द फुल ऑन प्रेडिक्टेड है, प्रेडिक्टेबल स्टोरी है, वो भी थोड़ा सा बचकाना है कि जो है ना मतलब भेड़िया काट ले तो इच्छाधारी भेड़िया तो कोई सुना नहीं है, तो कुछ नया ट्राई करने के लिए ये लोग किए हैं, तो चलो देखते हैं कैसा करती है, और आपको कैसा लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेजिए, तो देखते हैं और थिएटर में भी कैसा परफॉर्म करती है ये मूवी, और ये मूवी कब आने वाली है, 25 नवंबर को ये मूवी रिलीज होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड यस अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए, एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द लाइक बटन टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।